नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सिमाड़ा चेक पोस्ट के पास से फोर व्हीलर गाड़ी में से दो व्यक्तियों को भारी मात्रा में मादक पदार्थ ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। सूरत क्राइम ब्रांच की एक टीम ने गुप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए सीमाड़ा चेक पोस्ट के पास से फोर व्हीलर गाड़ी में से दो व्यक्तियों को भारी मात्रा में मादक पदार्थ ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 19.45 ग्राम MD ड्रग्स 1,94,500 रुपए जब्त किए हैं। दोनों आरोपियों ने कबूल किया है कि वे ड्रग्स मुंबई से लाए थे। सूरत शहर में नो ड्रग्स अभियान सूरत पुलिस द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान सूरत क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि दो व्यक्ति कार में ड्रग्स ला रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने सीमाड़ा चौकी के पास पहरा लगा दिया और मैरून रंग की कार को रुकवाकर पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 1,94,500 रुपए कीमत की 19.45 ग्राम MD ड्रग्स मिली। पुलिस ने कार में से 1.1 लाख की नकदी, मोबाइल फोन और कुल 4.30 लाख का ड्रग्स बरामद कर बावनजी भाई चौटिया नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की और आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने मीरा भाईदर रोड मुंबई से ड्रग्स खरीदी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सारोली थाने में मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। सूरत शहर नु युवा धन ड्रग्स ना रवाड़े ना चढ़े, पोतानी हेल्थ प्रत्ये सजाग रहे, तेमज सूरत शहर में जे मादक पदार्थों से एनु वेचाण छे नेस्त नाबूद थाय ए माटे सूरत पुलिस कमिश्नर साहब द्वारा नो ड्रग्स इन सूरत सिटी आ एक कैम्पेन चलावामां आवे छे। आ एक कैम्पेनना भागरूपे सूरत शहर मांथी जे जे ड्रग्स वेचे छे, जे पेडलर्स छे, ए लोकोने पकड़ी अने केसो करवा माटे मेहरबान अधिक पुलिस कमिश्नर साहेब सिंघल साहेब द्वारा क्राइम ब्रांचना तमाम अधिकारीओने खास सूचना अने टास्क आपवामां आवेल हता। आने लईने PSI कीर्तिपाल सिंह पुवार अने एमनी टीम ने एक स्पष्ट अने चोक्कस बातमी मळे छे के एक ब्राउन कलरनी फियाट गाड़ी जेना नंबर छे GJ5CR8190 ए बॉम्बे जाय छे अने त्यांथी MD ड्रग्स लईने एटले के मेफेड्रोन लईने सूरत आववानी छे। आ स्पष्ट अने चोक्कस बातमीना आधारे ए जे सूरत सिटी में जे जगह थी एंट्री करवानी छे त्यां सरकारी पंचो साथे क्राइम ब्रांच नी टीमो गोठवाई जाय छे। उपरोक्त नंबर नी जे गाड़ी छे ए आवता एने कोडन करी अने पकड़वामां आवे छे। एनी अंगझड़ती करता एमां बे व्यक्ति हाजर मळे छे। एकनुं नाम छे शैलेश नाथुभाई पटेल तथा बीजानुं नाम छे कमलेश चोवटिया। आ बंने ईसमो એની અંગઝડતી કરતા તથા ગાડીની ઝડતી કરતા ગેરના બોક્સ પાસેથી મેફેડ્રોન એટલે કે MD ડ્રગ્સ જે 19.45 ગ્રામ એટલે બજાર કિંમત 1,94,000 ઉપરની મળી આવે છે, તેમજ સાથે એમની પાસેથી 1,00,000 ઉપરની કેશ પણ મળે છે। આ MD ડ્રગ્સ બાબતે એ લોકોને પૂછતા એક ઈસમ જે બોમ્બે રહે છે મીરા ભાઈંદર રોડ ઉપરથી ત્યાંથી એ લોકો લાવે છે, લાવી અને સુરતમાં પોતાના કન્ઝ્યુમ માટે તથા અમુક ગ્રાહકોને વેચવા માટે લાવેલાઓની કેફિયત જણાવે છે। ઉપરોક્ત બંનેને આરોપીઓને રિમાન્ડ લેવાની તજવીજ ચાલુ છે। રિમાન્ડ લઈ અને અગાઉ કેટલી વાર ડ્રગ્સ લાવેલા છે, કોને કોને આપતા હતા, ભૂતકાળમાં કોને આપેલ છે એ બાબતે વધુ ખુલાસા થવાની સંભાવના છે। ના, હાલમાં તો હજી એને બહુ ઓછી માત્રામાં ડ્રગ્સ મળ્યું છે એટલે એવું નહીં કહી શકાય કે 31st લઈને લાવ્યા હતા, પણ ચોક્કસ આ લોકો હજી જો ન પકડાત તો ફરીવાર એ લોકો બોમ્બે જાત અને ફરીવાર ડ્રગ્સ લાવી અને સુરતમાં ઘૂસાડવાના પ્રયત્ન કરત। નહીં, આ વખતે પણ સિટીમાંથી જ મળી આવ્યું છે, એ બોમ્બેથી આવતો હતો અને સુરતની અંદર જ્યારે સીમાડા ચોકી ઉપરથી એ એન્ટ્રી લેતા હતા એટલે સિટીની હદમાંથી જ એને ઝડપી પડવામાં આવ્યા છે અને સિટીમાં જ આવતો હતો। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।